टीम सामने देखते हुए। और ये देखो बस पैडल पैडल सही दिख रहे हैं और टायर है ना उसके वो दिख रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी है जो कि 9:30 बजे का टाइम और अभी हम कोचिंग से जस्ट अभी आते जा रहे हैं और मम्मी वगैरह है नहीं क्योंकि वो मंडे गई हुई हैं। मंगलवार है ना, मतलब ट्यूजडे, तो मम्मी ट्यूजडे के दिन मंगलवार के दिन मम्मी मंदिर वगैरह पे चले जाते हैं जो कि हनुमान जी बाबू के वगैरह पे। और अभी मैं घर में आया ना, मैंने देखा जो कि मैं कुछ दिन से था नहीं ना घर में, तो मम्मी ने बहुत सारी मिठाई बना दी और मैं था जब एक भी नहीं बनाई थी। और अभी ये देखो भाई, ये अलग अलग तरह के तो लड्डू देखने मिल रहे हैं। ये वाला लड्डू किस चीज़ का है जो मुझे नहीं मालूम, बट खाने में काफ़ी अच्छा है। और 3 डेज ना मैं यही टी शर्ट पहना हुआ हूँ जो कि वहाँ से गया था, वहाँ पे भी कोई कपड़े नहीं लगाया, तब भी यही टी शर्ट पहनी हुई थी और अभी भी यही पहना हुआ था। अभी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ के और देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई फाइनली नहा के तैयार हो गए हैं और अभी मैं बालों को कंघे करने आ रहा था। ताशी ने जिवाले ड्रॉवर में, मतलब मैंने खोल के देखा और इसके अंदर खोल के देखा ना, तो देखो पहले पे अनार निकला जो कि ये वाला छोटा सा है और बहुत सारी भर के, मतलब इसमें आराम से 15-20 चरखी होंगी, इतनी चरखी हैं। और ये देखो रोशनी भी है, मतलब और फटाके वगैरह डले हुए हैं, मतलब उसके कलेक्शन बन के डला हुआ है, दोस्त वगैरह उसे बचा के रखा हुआ है उसने, क्योंकि लास्ट में हमेशा उनको लगा रहता है ना बचपन में कि लास्ट में फटाके बचा के रखता हूँ और जलाएंगे, तो वैसे ही उसने भी बचा के रखे, मगर उसे और कहीं रखना था, उसने उसमें ही रख डाले। और कंघी देख रहा, कंघी मिले नहीं उसमें, पूरे में बारूद वारूद होती है ना फटाकों की, वो पूरी कंघी पे हो गई थी। तो अभी जाके मैंने साफ़ की, तब जाके बाल काटे। बात ही अलग है तनों की। तो आज तो पूरे दिन से मतलब फॉगी फॉग हो रहा है पूरे में, इस साइड भी सभी जगह हो रहा है। ये देखो सुबह से हटा नहीं है अभी तो, आपको वैसे कैमरे में तो बहुत ही कम दिख रहा है, वैसे रियल में देखो ना तो बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरे में ऐसा लग रहा है कि कहीं आग वगैरह लग गई और पूरे में फॉग हो गए। इस साइड का तो एरिया दिख ही नहीं रहा फॉग के चक्कर में, थोड़े हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे हैं, सब जगह हो गया भाई साहब। पूरे दिन ऐसा ही मौसम रहा, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, पूरा ऐसे ही फॉग फॉग वाला। और अभी देखो कितना मस्त लाइटिंग आ रही है। जैसे कि शाम का टाइम हो गया और हमारे घर में जो पटाखे बचे हुए थे ना, वो मैंने अभी जो मैंने आपको ऊपर दिखाए थे वो सारे मैंने इन्हें पकड़ा दिए और ये जला रहे हैं। ऊपर ड्रॉवर में रखे हुए थे ना, अच्छा मैं तेरे लिए लाया था कि तू अपने आप कलेक्ट कर करके रखती आ रही थी। ये देखो जलाते हुए, ये देखो बच्चों की टीम सामने देखते हुए। और ये देखो अभी भी हमारे यहाँ दिवाली चली रही है, खत्म नहीं हुई है अभी हमारे यहाँ अभी दिवाली। अभी हमारे पापा जी की ड्राइंग देखो, ये कीजिए है, इसमें सब कुछ दिख रहा है, घर दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, पेड़ वगैरह दिख रहे हैं और साइकिल भी दिख रहा है, बस पैडल पैडल सही दिख रहे हैं और टायर है ना उसके वो भी दिख रहे हैं, बाकी रोड भी बनाई हुई है और हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, मतलब हैंडलिंग कैसे कर रहा होगा जब मुझे समझ में नहीं आया, पीछे क्या बना? थोड़ा अलग कर दिया ड्राइंग, बट अच्छी है और जिस समझ में नहीं आया लगाए के लड़की है। और पीछे क्या है, पीछे ट्रेन बना दी है, वाह पापा वाह। देखो जो सब्जी बनाई हुई थी ना ताशी को अच्छी नहीं लग रही है, मम्मी ने बनाई हुई थी और अभी ये कुछ बनाने लगी है, देखो बहुत सारा धुआं निकल रहा है इसमें से। क्या बना रही है? आलू के पराठे। और बस आलू के पराठे, इसे बहुत पसंद है आलू के पराठे और दही के साथ खा जाएगी, दही नहीं खाएगी वैसे, दही की मना है ना क्योंकि इसे खुजली हो जाती है दही से, पर लेकिन मुझे दही बहुत पसंद है। क्या दही बहुत पसंद है? दही पसंद है तो खाएगी, खाएगी दही, वो नहीं मानेगी भाई, वो तो खा के मानेगी दही को, फिर खुश जाती फिर रहेगी पूरे में बंदरों की तरह। तो गाइस अभी ये मिठाई के डिब्बे थे जो कि ये वाले, ये एक दूसरे में रिप्लेस होते रहते हैं, कोई कोई को देता है, कोई कोई को देता है, मगर हम रिप्लेस नहीं करते, हम तो खा लेते हैं जो कि आता है हर बार। और ये देखो ये अभी मैंने एक और अभी खोला हुआ था, वैसे मुझे तो ये वाली मिठाई अच्छी लगती है तो इस चक्कर में मैं रिप्लेस नहीं करने देता, बस मस्त लगती है। अभी हमने खाना खा लिया था और कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि वो टी शर्ट थी बहुत ही ज़्यादा भारी थी, सोने के टाइम इतनी ज़्यादा भारी टी शर्ट सही नहीं रहती है, तो इस चक्कर में अभी हमने खाना खा लिया। और ये डैन और एलिन का खाना, इसे भी हम डाल देते हैं क्योंकि ये भी भूखी होंगी हमारी तरह। डाल दिया और अभी हमको मतलब रात के 2 बजे तक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कल हमारा टेस्ट है कोचिंग पे, तो इस चक्कर में अभी ये देखो ये सारी हमारे बुक्स वगैरह नोटबुक वगैरह फैले हुए हैं, वे हम पढ़ेंगे रात भर देर तक
और सुबह टेस्ट है तो वो टेस्ट देंगे और देखते हैं कैसा आता है। वैसे आज रात मेरे सोने का बहुत अच्छा प्लान था क्योंकि मैं दो दिन से लगातार सही से नहीं सोया, कल सही से सोऊंगा। तो गाइस आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी के लिए बाय फ्रेंड।